start with your introduction. Hi, I'm Rani Agrawal. I'm playing the role of Shweta in Rescue. Hello, I'm Rahul. I'm just playing a role of Jatin in Rescue. Okay, Rani, after that, we know each other's introduction. Sorry. If you want, we can take it more. You look somewhere here to the next. Yeah. Sorry. Okay. Hi, I'm Rani Agrawal. I will be introducing. Cut karo. Jo pehle decide kiya tha ek dusra hai. Toh cut to cut karo. Rolling. So this guy is Rahul, and he is playing the role of Jatin. जो एक हाउस ब्रोकर है मुंबई में और एक हाउस के अंदर खुद ही ट्रैप हो जाता है एंड शी इज रानी एंड शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ श्वेता योर लव इज अ लव इंटरेस्ट या ओके रानी आपसे जानना चाहूंगा हाउ यू केम ऑन बोर्ड और रेस्क्यू का कैसे आप हिस्सा बने वेल वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जब नयन ने मुझे इस फिल्म का नरेशन दिया था तभी ऐसा नहीं सोचा था दैट आई विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ श्वेता लेकिन कुछ डेट्स के इश्यूज थे जो भी थे ऐसा हुआ कि फिर आई एंडेड अप प्लेइंग द रोल ऑफ श्वेता एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी अबाउट इट तो लोगों जब फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा दैट आई एम सो हैप्पी अबाउट इट ओके जब भी आप जॉब ना मेक इट यू नो इंफॉर्मेटिव रेस्क्यू इस फिल्म का फिल्म उस बारे में रेस्क्यू आ रही है रेस्क्यू ठीक है राहुल आपसे जानना चाहूंगा आप फिल्म का हिस्सा कैसे बने और क्या किरदार की बातें नजर आएंगी रेस्क्यू फिल्म में मैं श्वेता का रोल प्ले कर रही हूँ जो कि जतिन की लव इंटरेस्ट है और जब नयन जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मुझे इस फिल्म का नरेशन दिया था तब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था श्वेता का इनिशियली आई वाज अ लिटिल कॉन्शियस अबाउट द लेंथ ऑफ द रोल लेकिन श्वेता का जो कैरेक्टर है वो इस तरह फिल्म में स्प्रेड आउट है एंड शी इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी सो दैट्स हाउ इट गोज अबाउट या राहुल आपसे जानना चाहूंगा आपके किरदार के बारे में व्हाट कैरेक्टर यू प्लेइंग इन द फिल्म एंड हाउ यू केम ऑन बोर्ड इन रेस्क्यू सर ये एक्चुअली हम लोग इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली थोड़ा सा लाइक वी वर सर्चिंग फॉर इन्वेस्टर्स एंड ऑल फ्रॉम ऑल टीम टुगेदर एक्चुअली नयन के साथ वी हैव अ 4 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप एक्चुअली एंड देन नोबडी हैज केम इन टू बोर्ड सो लाइक आई टुक ऑन माय ओन स्लीव एंड देन लाइक आई जस्ट वेंट फॉर अ Telugu movie and I was doing a production and then suddenly like I couldn't able to get that and I've cancelled that one aur cancel karne ke baad mujhe ye wala pata chala ki like bhai nahi ho pa raha hai to hum log kuch aur karenge to when he narrated Nayan narrated this one then I said like no we'll stop that movie and then we'll start this one so Telugu movie band karke uske baad maine ye chalu kiya tha and then we have actually planned April we have started it and then we thought to release it on December itself but we couldn't able to do it because of some बहुत सारी चीज़ें हो गई time lapse हो गया तो however like it took 1 year to complete it and release it so this is the time like June 4th or something June, we have started yeah, the we shoot started actually shooting for this film April we started post production pre production and then exactly 1 year that I want to release it however like came into this one This is how the script is. Okay, Rani Rescue का जब हम नाम ही सुनते हैं तो ऐसा फील आता है कि शायद वो एक एक्शन पैक्ड फिल्म होगी बहुत मारदार होगी रेस्क्यू मतलब किसी को बचाना जब बचाने के लिए जाएंगे ऑफकोर्स एक्शन होगा फाइट होगा किस तरह की फिल्म होगी रेस्क्यू टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कहता है आई थिंक मोर देन फिजिकल दिस इज अबाउट मेंटल टॉर्चर जो जतिन के ऊपर किया जाता है जो तीन लड़कियाँ जतिन को ट्रैप करती है एक घर में तो वो 3-4 दिनों तक जो जो होता है उसके साथ फिजिकल भी है मेंटल भी है एंड इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट आप ये बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है जनरली लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है इट्स लाइक 1 in a million केस कि ऐसा कुछ हो कि आप ट्रैप हो जाओ एंड देन हाउ यू कम आउट ऑफ इट आई थिंक दैट इज़ वॉट रेस्क्यू इज़ ऑल अबाउट सो आई थिंक अनयूजुअल स्टोरी है बहुत रेलिवेंट है बिकॉज कभी भी आपके साथ आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द मोस्ट अनटॉवर्ड सिचुएशंस इन लाइफ राहुल जानना चाहूँगा क्या ये स्टोरी किसी रियल असली असल घटना से या हादसे से इंस्पायर है या एक्चुअली जब नयन ने नरेट किया था उस टाइम पे जब बोला था कि लाइक
आई हैव अ स्टोरी विच इज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम नागपुर में कुछ एक घटना हुई थी कि लाइक एक दूध वाले के पास कुछ मतलब लाइक तीन लड़कियां जो है वो कैप्चर करके अंदर रख दिया, फिर बाद में तीन दिन तक उसको लगातार टॉर्चर करते रहे. तो आई हर्ड अबाउट इट, आई गेस लाइक इट हैज़ नॉट कम इनटू ओपन इनटू अ न्यूज़पेपर और समवेयर, बट इट हैज दैट वाज द रियल थिंग एक्चुअली. सो दिस ही सेड लाइक on that basis we are doing something, we have just kept ka matlab script jo hai wo uske upar likhte hain karke bola tha theek hai koi baat nahi achhi hai karke maine bhi socha ki like is bar pehle jo hai masala karke thoda sa budget bhi zyada ho gaya tha to isliye maine socha ki like okay is bar woman oriented stuff karte hain aur to that's how it has been done. Okay, jaise aapne bataya ki aap love interest play kar rahi hain in the film, aur wo teen ladkiyan जो कहानी का सूत्रधार आपने उन तीनों में से कोई एक ना होने के बजाय लीड का क्यों मतलब चयन किया? डिफरेंट है ये श्वेता जो है उसकी ऑफ कोर्स लव इंटरेस्ट है लेकिन उसके बहुत सारे शेड्स है फिल्म में. सो नो डाउट कि वो तीनों का जो कैरेक्टर है बहुत ही अमेजिंग है एंड जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया है आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल. वी हैड एक्चुअली आई जस्ट नयन के साथ हमने बात किया था तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर है तो हम लोग ने मैंने सोचा कि लाइक नहीं रानी जो है शी शुड बी इन अ पॉजिटिव थिंग एंड नेवर कंसीडरिंग एक्चुअली इनिशियली जब हम लोग पॉजिटिव विल बी द बिगर तो वो तीनों में से कोई एक में करे बट देन वी एंडेड अप विद श्वेता. ओके, जब इस तरह का कोई आप कॉन्सेप्ट उठाते हैं खास करके जहाँ महिलाओं का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो तीन लड़कियां बोलते हैं और किसी को जो थोड़ा बहुत समझ में आता है आपसे बातचीत करके वो कितना बोल्ड होगा? आई थिंक आजकल की जो लड़कियां एक्चुअली ऐसे इट्स अ सेक्सिस्ट रिमार्क की लड़कियां लड़के जो भी है जो एक्चुअली कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज जब किसी इंसान को होते हैं तब वो किस लेंथ तक जा सकता है यू नेवर नो. सो वही है इस फिल्म में कि तीन लोग जब उसको ट्रैक करते हैं उनका मोटिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों ये कर रहे हैं, वी डोंट नो एज येट. वंस यू वॉच द फिल्म यू नो, बट देयर इज नथिंग लाइक लड़का और लड़की. लड़कियाँ करती हैं, बोल्ड हैं, सब आज के ज़माने की लड़कियाँ हैं. सो आई थिंक दे कैन गो टू एनी लेंथ थ्रू व्हाटएवर दे हैव gone through, whatever the torture things, like so many things have been done in the society actually. Society ke upar jo bhi hai uske matlab like they want to take some revenge or something like that. Climax full picture samajh mein aa gayi part 2. So teen ladkiyan aur is tarah se jitna thoda sa samajh mein aata hai kisi ko trap kar lena aur kya kehna chahiye itna itne bold kirdar mein sab kuch ho raha hai. मतलब ये completely लड़कियों के ऊपर है like how they feel. How they, मतलब it's all about the girls and freedom and how they live in society and how the things are in society like. So you have to see the movie for this. Yeah, it's very important to watch the movie to understand the thought process of those girls, like why they would trap a person they don't even know. All the four girls have got a different genre completely. Like everyone there has got a पर्टिकुलर रीज़न राइट. सबके लिए अलग अलग रीजन्स भी है उनका जो करने का जो वॉट एवर दे रिएक्ट फॉर एवरी सीन एवरी एक्शन एंड ऑल दैट फॉर एवरी थिंग देर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट. सो सो देर आर वेरियस रीजन्स कि कोई ऐसा क्यों कर सकता है. मे बी किसी को किसी से जस्ट रिवेंज लेना है, मे बी समबडी सेक्शुअली वॉन्ट्स टू एक्सप्लॉयट समवन एंड जनरली वी हियर दैट इट्स द वुमेन गेटिंग सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेड.
So I think men getting sexually exploited. This is different. This is ulta. This is. No, we have to care about men also. That is what we are saying in care movie. About what we care. We are not caring about you at all. So it could be a variety of reasons, really. Lots no, of reasons. Actually, it is like maybe bachpan mein kuch ho gaya aur the whole society is completely aiming on only girls, girls, girls getting raped, girls getting raped. So, yeah, so this is also like there is this attention. Is one more thing that is like men is also there. getting hai, yeah, getting attacked. Mm-hmm. Yeah, so we have to break that. So wo log teen log kyun karte hain? Stereotype. So I think humko film dekhke hi pata chalega ki wo kyun karte hain. मुझे भी नहीं पता because I'm his love interest in the film so I'm not right, one right. of the three girls right. She has got separate trap reason him and, so yeah, I also want to know ki kyun kiya उन्होंने ऐसा okay kya kab film release hone ja rahi hai aur kya kab release hone ja rahi hai aur kya message denge audience se wo kyun aaya film ka hissa bane 14 June 2019 the film is releasing and I would really want I think adult hai of course to bacche jaake nahi dekh sakte but All the youth. Of course. Of course. Okay.